नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूं स्ट्रट्स निंजा एलाइट हेलमेट के बारे में। आप देख सकते हैं ये आपको स्ट्रट्स कंपनी से देखने को मिल जाता है और जो प्राइस ब्रैकेट इसका रहने वाला 1100 के आसपास, उस प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छा इसका डिमांड है। आप इसको फेस ओपन भी कर सकते हैं और इसे आप फुल हेलमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है मार्केट में। निंजा इलाइट के नाम से जाना जाता है, स्टड्स कंपनी जैसे आपको देखने को मिल जाता है। तो आज आपको इस वीडियो में इस रिलेटेड फुल डिटेल मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको रोजाना कोई ना कोई बाइक और स्कूटी अपडेट देखने को मिलते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं, बात कर लेंगे इस हेलमेट के बारे में। सबसे पहले आप इस हेलमेट का लुक चेकआउट कर सकते हैं। देखने में बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छा हेलमेट आपको देखने को मिल जाता है। जो इसका प्राइस ब्रैकेट है, सबसे बड़े हम पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। आप कभी कभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑफर में लगभग 1000 तक भी आराम से ले सकते हैं, उसके अंदर भी आप ले सकते हैं, लगभग 900 तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने इस हेलमेट को 1050 में परचेस किया है। बाकी आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स वाइज देखने बहुत ही सही लगता है, कोई आपको कमी महसूस नहीं वाली। पता ही होगा स्ट्रट्स नंबर वन कंपनी है हेलमेट में अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी आप फ्रंट से देख सकते हैं इसका यूवी प्रोटेक्शन आपको ग्लासेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि साथ में एक अच्छी बात है। बाकी आप इसकी डिजाइनिंग चेकआउट कर सकते हैं, बीच में आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाती है मैट फिनिश साथ, देखने में बहुत ही सही बहुत अच्छी लगती है। हेलमेट आपको 2 से 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, आप जिस कलर से जाएं उस कलर से जा सकते हैं। सारे कलर यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एयर इनलेट के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैक साइड में, जो कि साथ में बहुत अच्छी बात है। डिजाइनिंग वाइज बहुत सही है, ISI की मार्किंग देखने को मिल जाती है बैक एंड पे, आप देख सकते हैं ये चीज़ें। तो अगर बात कर लें इस हेलमेट का कैसा रिस्पॉन्स है, कंफर्टेबल है कि नहीं, बिल्कुल ये हेलमेट आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। बिल्ड क्वालिटी वाइज भी हेलमेट बहुत सही है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको टोटली देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक की बात कर लीजिए, ग्लास की बात कर लीजिए, बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ही सही है। बाकी आपको फ्रंट में भी एयर इनलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि साथ में बहुत अच्छी बात है। डिजाइनिंग वाइज भी अच्छा डिज़ाइन इसका बिल्कुल किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको हेड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी करके लिखी हुई बैचिंग की गई है इस पर, जो स्टर्स टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है, जो कि साथ में बहुत अच्छी बात है। बाकी और बात कर लें आपको कैसा कुछ और इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, तो आप ये हेलमेट बिल्कुल आपको लगभग 3 से 4 साइज़ में अवेलेबल है, SML और XL में आपको देखने को मिल जाता है। XL में बहुत ही लिमिटेड एडिशन में देखने को मिलता है, बाकी आपको SML में देखने को मिल जाएगा, जो ये आपको 3 साइज़ मेनली, और बिल्कुल आप आराम से इसमें फिट भी हो जाएंगे, कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे एल साइज़ है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो फ्लिप अप करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसे ओपन फेस भी बना सकते हैं, यहाँ से पुश करके देख सकते हैं, आप ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी अगर आपको ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, बस आपको इसको प्रेस करना है और ये फेस ओपन हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि साथ में एक अच्छी बात है। अगर आपको ओपन फेस की जरूरत है तो आप ओपन फेस कर सकते हैं, अगर आपको फुल हेलमेट की जरूरत है तो आप फुल हेलमेट की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम इसे ओपन फेस कर लें तो क्या इसका जो मिरर है वो डाउन होगा। जी बिल्कुल नहीं, इसका मिरर डाउन नहीं होगा, आपको फिर ये पूरा फुल फेस की तरह यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी आप अंदर में देख सकते हैं कुशनिंग वाइज अगर बात कर लें, यहाँ पे आप इसका स्ट्रिप देख सकते हैं, देखने में बहुत सही लगता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आराम से आप इसे लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी वाइज बिल्कुल बहुत अच्छी है, इसमें आपको कुशनिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। आपको जो बैक साइड में कुशनिंग और साइड में कुशनिंग बहुत अच्छी की गई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात कर लें देख सकते हैं साइड की कुशनिंग, देखने में बहुत ही सही लगती है, अच्छी खासी आपको सॉफ्ट और कुशनिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। तो जिसको आप बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे लॉन्ग राइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं आप लोग अच्छी इसमें थ्रेडिंग की गई है, अच्छे तरीके से इसी बिल्ड क्वालिटी बनाई गई है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। स्टड्स के बारे में जिसकी बिल्ड क्वालिटी रहती है उसको बहुत अच्छा बनाया जाता है कंपनी, आपसे देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी वाइज हेलमेट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका ये जो स्वेट होता है उसको भी ये पूरा सोख लेगा, जो कि एक अच्छी बात है। आपका जो पसीना निकलता है उसको भी पूरा एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी आप थ्रेडिंग देख सकते हैं, जो बिल्ड क्वालिटी इसका देख सकते हैं, वो एक अच्छा पॉइंट बनाया गया है। बिल्ड क्वालिटी वाइज हेलमेट को अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आप लगभग इसे 4 साल 5 साल लगातार बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। स्टिपेस देख सकते हैं, स्टिप को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कि साथ में एक अच्छी बात है। बाकी आप इसका ग्लास एरिया देख सकते हैं, ग्लास एरिया में बिल्कुल आप अच्छे से फिट हो जाएंगे और जो आपको व्यू और विजिबिलिटी देखने को मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। आपको इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास देखने को मिल जाता है। बाकी आप इसका आफ्टर मार्केट अगर ग्लास में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ग्लास आप चेंज भी करवा सकते हैं, देख सकते हैं अभी नया है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और थोड़ा जो स्टार्टिंग में ग्लास थोड़ा टाइट रहता है आप लोग देख सकते हैं, तो इसे मुझे थोड़ी खोलने में इसे प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी अगर हेलमेट की बात कर लें, लगभग हमने 15 से 20 दिन अप्रॉक्स 1 मंथ यूज़ कर लिया है, अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल अच्छा हेलमेट देखने को मिल गया है मुझे 1050 रुपीज़ में। बाकी आप इसे ऑफर में और सस्ते में भी बाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। अगर आप जो अभी होली का ऑफर आ रहा है या दिवाली का ऑफर जो आता है उसमें आपको हेलमेट लगभग 900 तक देखने को मिल जाता है ये हेलमेट, तो आप बिल्कुल इसको बाई कर सकते हैं। बात करें सबसे बड़े क्या वेट आपको देखने को मिल जाता है, 1.3 kg के अप्रॉक्स इसका वेट देखने को मिल जाता है, 1300 ग्राम अगर हम बोले तो।
अप्रॉक्स ये आपको वेट इसका देखने को मिल जाएगा, और ज़्यादा आपको कोई दिक्कत परेशानी इससे देखने को नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल जो हेलमेट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ओवरऑल आपको कोई इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है, और कंफर्टेबल बहुत अच्छा है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफर्टेबल लाइट आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसे आप आराम से फिट कर सकते हैं और आपके हेड में ये अच्छे से फिट हो जाएगा। आपको ले सकते हैं जिसमें मैंने बताया हेड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसकी मदद से आपकी ये हेड को और अच्छा प्रोटेक्शन देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हैं लगभग 1000-1200 रुपये तक आपको बजट हो और आप एक अच्छा हेलमेट चाहते हैं जिसे आप ओपन फेस यूज़ कर सकें और फुल की तरह भी यूज़ कर सकें, तो आप बिल्कुल स्टड्स का ये हेलमेट भी ले सकते हैं। एक आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल इसका कोई रिस्पॉन्स वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रिस्पॉन्स वाइज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हेलमेट ये प्रोवाइड कर रहा है, आप बिल्कुल इस हेलमेट के साथ जा सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हेलमेट है अपने प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छा हेलमेट है, और रिस्पॉन्स वाइज बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल मिलने वाला है। क्योंकि जो आपको ये हेलमेट देखने को मिल जाता है ये लगभग 1000 रुपये तक में आप इसे बाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप इसे जाके ऑफलाइन मार्केट में भी पता कर सकते हैं, बाकी आप ऑनलाइन पे भी देख सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे लगभग रेट डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो आप बिल्कुल इसे ऑफर टाइम पे दे सकते हैं, जब सेल आपको देखने को मिले तब आप इसे बाई कर सकते हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और आप इसे 1000 के अंदर अंदर बाई भी कर सकेंगे, कुछ कैशबैक और ऑफर्स आ गए। अगर किसी ने कुछ कैशबैक या ऑफर आ गया कि इसे बाई किया, तो बिल्कुल कमेंट सिस्टम से जरूर शेयर करें। अभी हमने कुछ दिन पहले एक और ऐसा हेलमेट बाई किया है, लगभग हमने उसको 950 रुपये में बाई किया है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपने अगर हेलमेट बाई किया तो कितने में किया है। बाकी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल इस हेलमेट से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था डिटेल्ड रिव्यू स्टड्स निंजा इलाइट हेलमेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और वैसे डिटेल रिव्यू लेकर आता रहूं। बाकी अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और हेलमेट का रिव्यू या फर्स्ट इंप्रेशन चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के लिए जरूर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके स्टड्स हेलमेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।